अभी एक फिल्म आ रही है एनिमल, जिसकी लीड कास्ट है रणबीर कपूर। अब रणबीर कपूर तीन चीजों के लिए फेमस है। पहला है उनकी सिंसियरिटी टुवर्ड्स द क्राफ्ट, दूसरा उनकी एक्सपेरिमेंटल चॉइस ऑफ मूवीज, और तीसरा है उनकी आई फॉर डिटेल। जब भी वो कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसकी डिटेल में घुस जाते हैं। वैसे तो रणबीर कपूर ने बहुत सारी फिल्म की है, मगर उनकी लिस्ट में एक ऐसी फिल्म है जिन्होंने उनको एक बहुत अच्छे एक्टर के तौर पे एस्टैब्लिश किया, और वो फिल्म थी रॉकस्टार। अब जब रॉकस्टार की स्क्रिप्ट इम्तियाज अली रणबीर कपूर को बता रहे थे, तो रणबीर कपूर को समझ आ गया कि ये जो जॉर्डन कैरेक्टर है, ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, और उनको पता था कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम्स वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और रणबीर कपूर बहुत टाइम से एक फैशन डिज़ाइनर को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिन्होंने एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बहुत अच्छी फिल्में की थी, और ये डिज़ाइनर थे अक्की नरूला, जिन्होंने झूम बराबर झूम, बंटी और बबली और डॉन 2 जैसी फिल्म की थी। तो रणबीर कपूर ने रेकमेंड किया अक्की नरूला को इम्तियाज अली को, और इम्तियाज अली के मन में पहले से ही था मनीष मल्होत्रा एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मगर रणबीर कपूर के रेकमेंडेशन पे उन्होंने अक्की नरूला को भी टीम में ले लिया। और रणबीर कपूर के इस रेकमेंडेशन की वजह से जॉर्डन जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर रॉकस्टार फिल्म में आया। अब इंडियन फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो एज कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी काम कर रहे हैं, जैसे अंजू मोदी जिन्होंने रामलीला में काम किया, अक्की नरूला जिसके बारे में बता चुका हूँ, और इंडिया के बड़े डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा। ये तो पहले कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे जिन्होंने बाद में एज अ फैशन डिज़ाइनर अपना ब्रांड लॉन्च किया। अब ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के पार्ट 2 में।